नीचे फेंक दिया, बाजीगर हो गया बाजीगर। एक बाजी हुआ बेट लगाने, बेट लगाने की, कहा कि हम बेट लगाने के तैयार हैं कि पिछले 5 वर्षों में ऑल्टरनेटिव ढूंढने का काम इतना टेक्नोलॉजी का चल रहा है कि 5 मेटल का दाम डिक्रीजिंग हो गया है, इन्फ्लेशन रहने के बावजूद भी डिक्रीजिंग है। उदाहरण क्या दिया, 5 मेटल में किसका नाम दिया, कॉपर, जोर से बोलिए, कॉपर, क्रोमियम, निकेल, टिन, टंगस्टन। और ये जब ये बेट लगाया तो है कोई नहीं, लोग कहता है कोई, मैं क्या करता हूं, पूछती कर, इतने में देखिएगा कि आ गया हीरो, तो सिनेमा का हीरो उचित ही जाए। उसी तरीके से जब बेट लगाया, कहा कि 1990, कहा 1990 में निश्चित रूप से इस 5 मेटल का प्राइस डिक्रीजिंग होगा इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि कॉपर यूज करने वाला देखा कि भाई कॉपर का दाम बहुत बढ़ गया है, ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। पटना कॉलेज में हम जब प्रोफेसर थे, वहां 50 साल वहां पढ़ाए, वहां पर क्लासरूम में जो फैन लगा हुआ था अंग्रेज के जमाने का था, और उसमें कॉपर भीतर लपेटा रहता था, क्वाइल जो है ना कॉपर का, वो एक का रिपेयरिंग कॉस्ट था 1800 रुपया एक फैन का, और इतना भारी फैन उसके नीचे बैठने में डर लगता है, गिरेगा तो साहब, इतना भारी, और पूरा तांबा लपेटा। जब हम ये छोटी बने तो हम कहे कि ये 1800 में फाइन मिल जाएगा, फाइन का दाम कितना होगा, 600-700 में फाइन मिलता है लोकल, आई मान लीजिए उषा उषा या क्रॉम्पटन सब का ये 1000 होगा, कितना होगा, 1300, 1300, 1800 में खाली तामा लपेटने का, तामा का कॉस्ट 1800 और 200 रुपया उसका 2000, तो हर गर्मी के छुट्टी में 4 गो फैन को उतरवा के तामा लपेटवाया जाता, जब हम आए तब कह उतारो इसको, इस पर चिपका दे वो टिकट कि ये अंग्रेज के जमाने का है, इसको रख दो लाइब्रेरी में, हर आदमी देखेगा कि अंग्रेज के जमाने का फैन कैसा था। और क्लासरूम में 9 फैन, एक क्लासरूम में यहाँ 3 गो की 4 गो था ही, वो 9 गो पॉइंट बनाए कि कहीं भी बच्चा बैठेगा तो उसको हवा मिलेगा, और 9 फैन फर्स्ट टाइम पटना को हमने लगवाया AW पार्टी, 2 गो रूम में मिला हुआ था, दोनों में 9-9 गो लगा दी। अब कोई लड़का झगड़ा नहीं करा कि नहीं बैठे, पहले क्या था कि जो थोड़ा ताकतवर लड़का रहता था वही बैठता था फैन के नीचे, अब बाकी उसके अगल बगल बैठता था जो कुछ छुआ के हवा मिल जाए और खत्म हो गया, कहीं कोई कोना में बैठिए आपको पूरा हवा मिले, तो कहता है कि अल्टरनेटिव ढूंढ लिए। तो उसी तरीके से हर चीज में अल्टरनेटिव ढूंढने लगा, कॉपर वाला को कॉपर हटा दिया, अब इसके भीतर में कुछ सर्किट लगाया हुआ, कुछ लगाया हुआ है, किट्स लगाया, कुछ लगाया, ऐसा एकदम हल्का हो गया और उसे कम दाम में आपको मिल रहा है, वो तामा वाला काम करता। बिजली का तार जो है लगाने में जो वायरिंग होता है ना रोड पर से पोल से जो लाइन आता है, तो कॉपर वायर, तो हमको आया मिस्त्री कहा कि आप 8 प्लाई का हेवी कॉपर वायर लगाइए, और जाके चाइनीज मार्केट है वहां गए, वहां से खरीद के लाए, लगाए हुए, और लगा के चला गया, और उसके 2-4 दिन के बाद जो है देखे कि हर एक आदमी हल्ला कर रहा है कि आपका तार काट के ले गया। हम कहे तार काट के ले गया, इतना महंगा तार लगाया कर, तो जो बिजली कंपनी का आया था आदमी वो कहा सर इतना महंगा तार आपको नहीं लगाना चाहिए था, वो तो घूम के रात भर दिन भर सर्वे करता है कहाँ कॉपर वाला टायर काट के ले गया, तब पूछे कि क्या लगाएंगे कि नहीं काटे, तो ये अल्मोनियम वाला 500 रुपया उसको दिया, अल्मोनियम का एक क्वाइल लाया लगा दिया, उसका से फिर एक बार चोर आया तो काटा उसको, तो देखा कि अरे कॉपर है तो छोड़ दिया, लेकिन लाइन तो मेरा कट गया, क्योंकि तो कैंची से मंजोसी से काट दिया। उसके बाद मिस्त्री बोला क्या सर आपका तार काट के लिए नहीं गया, वो देखा कि कॉपर नहीं है
समझ गया था कि कपड़े लगाए होंगे दोबारा एक बार काट के ले गए, तो फिर उसको लगाएंगे क्या, कॉपर इज कॉस्टलियर देन एल्यूमिनियम वाइन। अब हम भी समझ गए, तो अब कितनों हमको कहा कि सर लोड नहीं लगेगा, नहीं लोड लगेगा, जो है कॉपर वायर वो हटाओ एल्यूमिनियम लगाओ, सब में एल्यूमिनियम लगाओ, काट के ले भी जाएगा तो 500 रुपये के, और उसमें 8000 रुपये का तार खरीद के मंगवाए सब तरह तरह का, समझाने वाला उस समय था, उसमें कमीशन उसको मिला, ले लिया आया हमको रात में चुरा के ले गया, और उनके हम ही को डांट रहा है बिजली वाला की लगाने का क्या जरूरत था आपको कॉपर का, हम क्या लगाए तो एल्यूमिनियम लगाई, एल्यूमिनियम लगाई पैसा ले तो हमें चोरी भी नहीं होगा, तार भी नहीं काट के ले गए, तो ये कहता अल्टरनेटिव ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रिसोर्सेस बराबर अल्टरनेटिव ढूंढता है, और अल्टरनेटिव ढूंढ करके आपको एक नया, तो उसी को ही बतलाते हैं कि ह्यूमैनिटी हैज अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। ये लाइन किसका दिया हुआ है, यूनियन यूनियन लिंकन साइन, लाइन बराबर याद रखिए, ह्यूमैनिटी हैज अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। और पहले क्या शास्त्री जो थे वो कह रहे थे कि मात्र से लिमिटेड पोटेंशियल, क्यों तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा सब तबाह हो जाएगा। हम लोग का देखिए जितना हम लोग का जमीन था खेती बाड़ी का उससे कुछ घट ही गया है, बिल्डिंग बनाई बना मार्केट बनाए, लेकिन उपज हमारा क्या हुआ 400% बढ़ गया, और 40 करोड़ को खिलाने का अनाज नहीं था आजादी के बाद, और दो वर्ष 2000 में हमारा अनाज हो गया 274 बिलियन टन, जब हम आजाद हुए थे तो अनाज था मात्र 51 मिलियन टन, 400% अनाज बढ़ गया। हम जब स्टूडेंट थे उस बाजार में गेहूं नहीं बिकता था, राशन की दुकान में गेहूं मिलता था, बाजार में चीनी नहीं मिलता था, राशन के दुकान में चीनी मिलता था, साइकिल का टायर ट्यूब बाजार में नहीं मिलता था, वो राशन के दुकान या कोऑपरेटिव के थ्रू मिलता था। तो ये जमाना था, कंट्रोल का जमाना था प्रोडक्शन का ही। आज देखिए टायर छोड़ जिस तरह का टायर सब बाजार में उपलब्ध, तो कंट्री का ग्रोथ जो है हमारा भले ही चाइना का 12% के हिसाब से कम लगता है, लेकिन रियल ग्रोथ जो है बहुत मामले में बहुत तरह का चीज बढ़ा है। सबके पॉकेट में मोबाइल है, अमेरिका में सबके पॉकेट में पिस्टल है, बाहर कंट्री वहां अगर आप हाथ रखे हुए पॉकेट में तो आपसे एकदम डर के बात करेगा कि पता नहीं भीतरे से उड़ा देगा, इसलिए वहां पहले हाथ इसको उठवा देगा, कुछ बोलेगा हाथ उठा देगा, और उसे भी सिंह बिल्डिंग में खाली हाथ ऐसे घुसा के रखे होते गंजी में, तो उधर वाला अपोजिट समझा कि बाप लगता है कि रिवॉल्वर डर गया, हाथ छिपा हुआ है इसका मतलब कुछ है, हमारे यहाँ हाथ छिपा हुआ है समझ लीजिए वो मोबाइल पकड़े हुआ है बॉस में कि कहीं मार बन गए, आजकल मोबाइल की चोरी बहुत हो गया है। और तो कहता है कि अनलिमिटेड जो है आपका ग्रोथ पोटेंशियल हो गया ह्यूमैनिटी का, बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, बिकॉज ऑफ इनोवेशन। इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या अंतर है, इन्वेंशन का मतलब कोई नया आविष्कार करना, इनोवेशन का मतलब है कि आविष्कार अगर सफल हो गया तो उसका उत्पादन में प्रयोग करना, वो इनोवेशन का रहता है, वास्तव में ताकत है ये क्या इन्वेंशन। किसने कहा स्टीम एंड पावर, स्टीम पावर का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट, और उसी स्टीम पावर से बना दिया प्रेशर कुकर, और स्टूडेंट खाना उसी में बना लेता, प्रेशर कुकर में कहता है बादल सब्जी डाले सीटी दिया तैयार, अब निकल के अपने मुंह में नहीं आता है वो, फिर सब आ गए स्विच दबाई है बराबर, कहीं भी चले जाइए आप
अमेरिका में या कनाडा में कहीं तो पानी पी ली गई है तो नल के पास आइए हाथ लीजिए पानी मुंह में चले डायरेक्ट कहीं छुए हुए का नहीं तो कहता है कि मुंह से सक्रिय मुंह में चला गया तो मिनिमम इन्फेक्शन हुआ। यहाँ जो है शुद्ध पानी निकाला गंदा गिलास में दिया इन्फेक्शन पानी शुद्ध है और गिलास गंदा है। अब बगल में वो आदमी है जो खांस रहा है उसका कीटाणु निकल के धर धर आपके गिलास में पानी में जा रहा है सब अदृश्य हो रहा है लेकिन वो तो रहा का एक ही उपाय है। ऐसे पीते हुए कुत्ता को देखते थे कहीं पानी नहीं हो रहा है तो कुत्ता को मुंह में पी लेते तब थोड़ा देर खड़ा रहे कि सूट पहने हुए हैं कहीं देह में नहीं गिर गए थोड़ा देर वो खड़ा रहे उसका देखे कि वो आदमी पी के हट गए दो गो तीन गो घोड़ा चमड़ा वाला आया पी के हट गए तब धीरे से हम गए तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में इनोवेशन और भी चलता रहता है। रूस में जो है पोलैंड में गए तो वॉशरूम में जाना था तो हम कहें कहाँ है पूछे तो देखे तो झांके थे दवा अंधकार था तो हम नहीं गए हम खड़ा थे तो आया फिर दूसरा आदमी घुस गया अंदर अनारे में तो जब निकल के बाहर आया तो उससे पूछे कि लाइट नहीं कोई सही लाइट जब दो तीन गया आया तब तक हम रोक के खड़ा थे कितना देर रोकेंगे अंत में अनहारे में घुसे जैसे मेरा पैर भीतर हुआ लाइट जल गया और जैसे आपका पैर बाहर होगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा। आया है कि लाइट जलिए रहा ऑफ तब होगा जब बल्ब फ्यूज होगा। प्राइवेट सेक्टर में नहीं पब्लिक सेक्टर का भी बल्ब जो रोड पर लगाया हुआ है उसको भी देखिएगा कि जल रहा है सुबह दिन रात जल रहा है और फ्यूज हो गया ठीक है। कंजर्वेशन का आइडिया जो है वो कितना बाहर मजबूत है सो देखिए कि बिजली का कैसे उपयोग हो। तो कहता है कि जूलियन लिंकन साइमन ने कहा कि 1990 में अनुमान लगाया वो और चैलेंज किया बेट किया कि बेट करते हैं जब आपको बेट करना है जितना रुपया का कीजिए तो ये वो था क्रिप्टिक ग्रोथ अनलिमिटेड है। नाम उसका क्या है पॉल इर्विच वैगन ये क्या कि हम तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करते हैं चलो हम भी रिसर्च कर रहे हैं तुम भी रिसर्च करो और इस पांचों मेटल का ट्रेंड प्राइस का देखें 1990 में जब फोरकास्ट किया ना कि 1990 कट ऑफ रखी 1990 जब आया तो एवरेज जब निकाला तो ये पॉल इर्विच वैगर भी रिसर्च किया भी किया जब आंकड़ा सबमिट किया तो दोनों का आंकड़ा सेम था और पांचों मेटल का प्राइस क्या हो गया घट गया फॉलिंग फाइव मेटल प्राइसेस फॉलिंग इन 1990 इन स्पाइट ऑफ विदाउट टेकिंग इन्फ्लेशन इन टू कंसीडरेशन। इसलिए साइमन लिंकन को यूलियन लिंकन साइमन को पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। माल्थस को क्या कहा जाता है निगेटिव पेसिमिस्ट इनको कहा जाता ऑप्टिमिस्ट इकोनॉमिस्ट और ये जीत गए और कौन हार गया पॉल ऑल इर्लिच वेगर ये हार गए इन्होंने पेमेंट किया जो पेट लगाए थे उतना पेमेंट किया लेकिन जूलियन साइमन जो है 1998 में उनका डेथ हो गया और ये बड़ा ही पॉपुलर हुए। इन्होंने कहा कि रिसोर्स स्कार्सिटी जो है इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दस क्रिएटिंग इंसेंटिव टू फाइंड अल्टरनेटिव मटेरियल्स। क्या इनका थ्योरी हुआ कि रिसोर्स स्कार्सिटी जो है
वो जैसे ही आपको पॉपुलेशन बढ़ेगा, रिसोर्स संस्कार सिटी होगा, रिसोर्स संस्कार सिटी होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ेगा तो ये इंसेंटिव मिलेगा इनोवेटर्स को और वो खोज करेगा अल्टरनेटिव मटेरियल्स, और इससे ह्यूमन डेवलप न्यू रिसोर्सेस। क्या क्या कहना है, ह्यूमन डेवलप न्यू रिसोर्सेस, और कहीं कहीं पर तो रिसाइकलिंग करके नया चीज प्राप्त कर लेगा, फिर यूज कर लेगा। कहीं कहीं पर आपको जो है न्यू सॉल्यूशंस लाएगा और उससे प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू माल्थस, थॉमस माल्थस। पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम और देयर इज लिमिट टू ग्रोथ, देयर इज लिमिट टू ग्रोथ। बहुत सारे इकोनॉमिक्स का नाम है लिमिट टू ग्रोथ, LTG शॉर्ट में सो रहे होता है, LTG लिमिट टू ग्रोथ। लेकिन दूसरे जो ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिस्ट हैं, जूलियन लिखो लिंकोल साइमन, ये ऑप्टिमिस्ट इकोनॉमिस्ट है, ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को अगर मालूम हो गया कि भाई इसका सिटी है तो ह्यूमैनिटी विल डेवलप न्यू रिसोर्सेस, इकोनॉमी में न्यू साइकिल रिसाइकिल करके भी चीज को प्राप्त कर लेगा, बराबर उस पर इनोवेशन करेगा। बोर्ड पर देखिए कुछ किताब का नाम लिखे हैं जो कि नेट जारी सब में इंटरव्यू सब में आपको काम देगा, अगर पूछ लिया कोई कि पॉपुलेशन ऐसा चीज है कि पुराना होने वाला नहीं है, पूछ लिया कि द अल्टीमेट रिसोर्स किताब किसने लिखा, तो जूलियन साइमन। अल्टीमेट रिसोर्स किताब जो है बहुत पॉपुलर हुआ, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन्हीं की किताब है, इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंसेस ऑफ इमाइग्रेशन। इसमें इन्होंने साबित किया है कि अमेरिका में जो इतना आदमी जा रहा है बाहर से वो वहां के लिए अच्छा है, इमाइग्रेशन कंसिक्वेंसेस इज बेटर, इट विल इंक्रीज साइंटिस्ट, इट विल इंक्रीज टेक्नोक्रेट्स इन यूएसए, और अल्टरनेटिव ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। अभी सब जगह जो है डीजल पेट्रोल वाला कार का प्रोडक्शन बंद कर रहा है, मशीन बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया, और आविष्कार कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बस इलेक्ट्रॉनिक कार, और उसके बाद आविष्कार करेगा कि कमर में बांधिए स्विच दबाइए तो उड़ जाएगा, जिससे सिनेमा में झूठ मूठ के उड़ा के दिखाता है, सचमुच उड़े मेरे यहाँ पढ़ने आ जाइएगा, झंझट खत्म है। अब ये अलग बात है कि उतरने समय बिजली पर उतर जाइएगा तार को उतर जाए करंट मार देगा, तो पूरे बॉडी में एंटी करंट भी कुछ लगा के पहन रहे हैं, करंट नहीं मारे। तो कहता है कि लिमिट टू ग्रोथ वर्सेस ह्यूमैनिटी हैज अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, लिमिट वर्सेस अनलिमिटेड। कोई पूछे कि लिमिट वर्सेस अनलिमिटेड का क्या मतलब है, तो कहना है आपको कि पॉल इनरिच बैगर का कहना है कि लिमिट टू ग्रोथ है, बड़ा भारी क्रिटिक था कि ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं, हार गया बेट लगाया हार गया। अगर आपसे इंटरव्यू में आगे बढ़ गया बातचीत तो इस संदर्भ में कोई बेट का भी बात दिया, साइमन ने बेट किया कि 1990 में 5 मीटर का दाम गिर जाएगा, डिक्रीजिंग होगा, रिग्रेशन से निकालिए डिक्रीजिंग निकलेगा, और सचमुच साबित हुआ। अब बैगर जो है बेट कबूल किया सबके सामने आ गया कि बैगर ने ये बेट को स्वीकार किया, दोनों रिसर्च किया रिजल्ट आया कि गिर गया, तो बैगर पेमेंट किया, लेकिन संजोग है कि वो इंजॉय नहीं कर पाया और 98 में उसका डेथ हो गया। तो कहता है कि हुडविंग द नेशन किताब में लिखा कि झूठ मूठ का अखबार में निकालते रहता है स्कार्सिटी 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 अपना जर्नलिज्म को बढ़ाने के लिए, अखबार बेचने के लिए बराबर डराते रहता है, यह हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के मैसेज को मत दिया कीजिए, स्कार्सिटी पॉपुलेशन मैटर्स। कहता है पॉपुलेशन खराब चीज नहीं है,
ऑपरेशन बहुत ही जरूरी चीज है। ऑपरेशन कितना भी बढ़ जाए वो हानिकारक नहीं है, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव अप्रोच के निकालेगा और इनोवेटिव आइडिया जाएगा। पॉपुलेशन एंड डेवलपिंग, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन पुअर कंट्री, ये हम लोग के कंट्री से जुड़ा हुआ है, हम लोग के कंट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जूलियन लिंकन साइमन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि बेस्ट किताब इनकी है, द अल्टीमेट रिसोर्स 1981 और 1991 में उसको रिवाइज भी इन्होंने किया है। किताब भी 700 से ज़्यादा पढ़ना का, 700 पेज से ज़्यादा का, तो इसलिए इस थ्योरी को महत्व देना है। और जहाँ कहीं भी पॉपुलेशन थ्योरी का जिक्र कीजिएगा, पॉपुलेशन थ्योरी ज्योमेट्रिकल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अरिथमेटिक इंक्रीज इन फूड ग्रेन, तो इसलिए जूलियन साइमन के एक और किताब भी है, द फूड ग्रेन्स एंड आफ्टर, फूड ग्रेन के बाद भी कुछ है, और फूड ग्रेन के बाद जो है तरह तरह का इनोवेशंस है। हरित क्रांति के बारे में कहीं कोई 1798 में सोच नहीं था कि आदमी को इतना अनाज हो जाएगा अमेरिका जो है पूरे विश्व को अकेले खिला सकता है, अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया मिल जाए तो पूरे विश्व को खिला सकता है, लेकिन भूख लगेगी कहेगा भी नहीं देंगे, अब पेट भरा रहे कहेगा तो ले गई, ये सबसे बड़ा डर है। इसलिए हर देश में कम से कम खाने वाला जो चीज है वो खुद उत्पादन करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, ताली बजाइए, बहुत सारा जाइए भाई।